हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बायोडीजल के अवैध 11 ड्रम से भरी बोलेरो पिकअप को पकड़ा, दो युवक हिरासत में, सदर पुलिस की कार्रवाई। बाड़मेर में ईंधन और रसद विभाग की अनदेखी से बायोडीजल की ज्यादा ही सप्लाई की जा रही है। कुछ दिन पूर्व रसद विभाग द्वारा बाड़मेर गुजरात बॉर्डर पर भारी मात्रा में बायोडीजल पकड़ा गया था, तो सोमवार अल सुबह सदर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बायोडीजल के 11 ड्रम के साथ करीबन 2000 लीटर बायोडीजल से भरी बोलेरो पिकअप को पकड़ा गया। वहीं अहमदाबाद निवासी दो युवकों को भी हिरासत में लिया है। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद निवासी इमरान व अशरफ बोलेरो पिकअप लेकर बाड़मेर जिले के विशाला गांव की तरफ जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें कुर्जा फाटा के पास पकड़ लिया। वहीं पुलिस द्वारा रसद विभाग को इसकी जानकारी दे दी गई है। फिलहाल रसद विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसमें हमें थाना पर एक जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि कुर्जा फाटा की तरफ से एक पिकअप जो है जिसमें अवैध तरल पदार्थ भरा हो सकता है आदि सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर उक्त सूचना को तस्दीक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए हमारे थाने से हेड कांस्टेबल पुनित चंद जी 210 को भेजा गया। जहां पर ये सूचना दी गई वहां पर फिर पहुंचने पर उस गाड़ी को रुकवा करके चेक किया गया, तो उसमें 11 ड्रम तरल पदार्थ के भरे पाए गए। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकर राम मेघवाल की रिपोर्ट।